ऐसा दिव्य पावन परम मंगलमय महापुराण, वो है परम मंगलमय कथा जिसको सुनने के लिए देवता लालायत रहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, कथा से पहले महात्म इसलिए बताया गया कि कथा के विषय में जान लो कि इसे सुनना क्यों आवश्यक है, सुनने से क्या होता है, अथवा जिनने सुना उनको क्या मिला, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति प्रेम नहीं होगा। हमारे बाजू में अभी कोई अनजान व्यक्ति आकर के बैठ जाए और वो बैठ करके शांत मन से कथा सुनता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन यदि कोई धीरे से आकर के बता दे कि आपके बगल में जो बैठे हैं वो फलाने जिले के कलेक्टर साहब हैं, अब जैसे ही उसने बताया कि ये कलेक्टर हैं तो हमारे आओ भाव व्यवस्थाएं सब अगले ही पल बदल जाएंगे, क्योंकि हम उसके प्रभाव को जान गए, हम उसके विषय में जान गए कि ये जिलाधीश हैं, हमारे बगल में आकर के बैठे हैं। जब तक जाने नहीं थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जान लिया तो मन में उनके प्रति हमारे जो भी भाव हैं वो उत्पन्न हो गए। ठीक इसी प्रकार से कथा के विषय में जानने के लिए महात्म सुनना आवश्यक है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति होगी नहीं, क्योंकि जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई पर प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई पर प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं 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 प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति होने वाली है नहीं, और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक महाराज हमारे बात समझ में गले उतरने वाली नहीं है। जो लोग जान गए वे इसलिए मान रहे हैं, जो अभी तक नहीं जान पाए वो अभी भी भटक रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की। स्वर्ग का जो अमृत है और यह जो कथा अमृत है, इन दोनों की अपनी विशेषता है। स्वर्ग का अमृत क्या करता है? बोले स्वर्ग का अमृत पीने से अमरता प्रदान हो जाती है, फिर पीने के बाद में व्यक्ति मरता नहीं है। बोले कथा अमृत वो अमरता प्रदान करता है, तो कथा अमृत जो है वो अभयता प्रदान करता है। कथा अमृत का यदि पान कर लिया जाए तो फिर व्यक्ति अभय हो जाता है, उसको मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि मरने वाला तो शरीर है। राजा परीक्षित से भी सुखदेव जी ने यही पूछा कि राजन आपने 7 दिन तक कथा सुनी, अब आएगा तक्षक नाग तुमको काटेगा और तुम मर जाओगे। तो तुरंत ही परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मैं नहीं मरूंगा। कहा क्यों? बोले मरता तो शरीर है और मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, आत्मा फिर से अगला शरीर धारण कर लेगी। अभयता प्रदान करने वाला है। स्वर्ग के अमृत की यह विशेषता है कि स्वर्ग का अमृत तब प्राप्त होता है, कब? बोले जब अनेक जन्मों तक पुण्य कर करके पुण्य कर करके पुण्य कर करके अपने पुण्यों का घड़ा पूरा भरा जाए, और उसके बाद मरने के उपरांत जब स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग का अमृत मिलेगा। अर्थात जो पुण्यात्मा पुण्यों से भरा हो वो जाएगा तो उसे स्वर्ग का अमृत मिलेगा। लेकिन ये कथा अमृत, बोले कथा अमृत को पाने के लिए पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, पतितात्मा हो, प्रेत आत्मा हो, चाहे जो हो, उसके निमित्त महाराज यहाँ पर कथा कर दी जाए, कथा सुना दी जाए, तो सबको पार करने वाला है। इसमें भेदभाव नहीं है, ये पक्षपाती नहीं है। स्वर्ग का जो अमृत है वो दीर्घजीवी बनाता है, उसको पी करके लंबे समय तक मृत्यु नहीं होती। लेकिन ये जो कथा अमृत है ना, ये दिव्य जीवी बना देता है, जीवन को इतना दिव्य बना देता है कि महाराज जीवन जीते जीते भी और जाने के बाद में भी जब व्यक्ति चला जाता है तो उसकी दिव्यता की चर्चा वर्षों वर्षों तक होते रहती है। उसका जीवन दिव्य बनाने का काम यह कथा अमृत करता है।
और स्वर्ग के अमृत की एक और बात आप शायद नहीं जानते होंगे, स्वर्ग का अमृत पी करके यदि अमृतत्व प्रदान हो भी जाए तो जैसे जैसे पुण्य समाप्त होते हैं ना, हमारे पुण्यों का घड़ा पूरा खाली हुआ तो स्वर्ग से फिर नीचे फेंक दिए जाते हैं, फिर इस मृत्यु लोक में आकर के गिरेंगे। बोले वो पुण्यों को समाप्त करके मृत्यु लोक में पुनः उतार देता है। और ये कथा अमृत, बोले कथा अमृत, जैसे जैसे कथा सुनोगे वैसे वैसे पाप कटते जाएंगे और समस्त पापों को काट के एक दिन सारे पाप भस्मीभूत होंगे, तो यह कथा अमृत नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचा देता है। बोले ये नीचे से ऊपर ले जाने वाला है और वो ऊपर से नीचे पहुंचाने वाला है, यह है स्वर्ग का अमृत और कथा अमृत।